नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार तानाशाही के खिलाफ में खड़ा हुआ है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, कल यानी कि 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। जी हां दोस्तों, उसी को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। बिहार से खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले सुपौल में पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए मशीनों के साथ में रवाना किया गया है। ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले ग्वालियर में पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए मशीनों के साथ में रवाना किया गया है। यह यहां पर खबर आई है, कल तीसरे चरण का मतदान होना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश से खबर सामने निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी की 40 सदस्यों की टीम रायबरेली पहुंची है। रायबरेली अमेठी में बुधवार निगरानी रखेगी प्रियंका गांधी। यहां पर खुद दोनों ही सीटों पर डायरेक्ट प्रियंका गांधी की निगरानी रहेगी। प्रियंका गांधी के हाथों में सोशल मीडिया एक्सपर्ट टीम की भी कमान है। प्रियंका गांधी अलग अलग संगठन के लोगों से संवाद भी करेंगे, बार एसोसिएशन और महिला समूह से भी संवाद करेंगे प्रियंका गांधी। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी खुद यहां पर प्रियंका गांधी ने उठा ली है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में केएल शर्मा की सियासी सारथी बनेंगी। वह चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दोनों जगह रिश्तों की डोर मजबूत करेंगी। वह आज से यहां पर बताते चले ताबड़तोड़ कार्यक्रम करती हुई नजर आएंगी। वह नुक्कड़ सभा के साथ ही घर घर भी दस्तक देंगी। यानी कि केएल शर्मा के सामने पहले से ही स्मृति ईरानी कमजोर नजर आ रही हैं। बीजेपी को हार का इतना यहां पर डर सता रहा है कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर में खड़ी गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेठी के अंदर पुलिस मूक दर्शक बनके तमाशा देखती रहती है। यानी कि इससे अंदाजा लगता है कि स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव हार रही है। जमीनी स्तर पर केएल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी कमजोर नजर आ रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने किया ट्वीट, कहा नीट की परीक्षा में धांधली, इस भाजपा सरकार ने युवाओं की जिंदगी नरक बना करके रख दी है। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के प्रतियोगी परीक्षा तक के एग्जाम सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। और वहीं एक अन्य यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि नीट एग्जाम भी सही से नहीं ले सकी मोदी सरकार, 23 लाख बच्चे तनाव में हैं, परीक्षार्थी हिंदी के पेपर मिले अंग्रेजी में, कहीं सॉल्व पेपर के साथ में पकड़े जाने का संदेह, कहीं पेपर लीक का दावा, एनटीए कर रहा है दावों का खंडन, 13 लाख बच्चियां 10 लाख बच्चे यानी कि 23 लाख बच्चे तनाव में हैं। ये यहां पर दोस्तों मोदी सरकार की सच्चाई है। भाजपा की सरकारें कोई भी एग्जाम सही तरीके से नहीं पा रही हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आते ही पेपर लीक को रोकने के लिए तमाम तरह के यहां पर कानून लागू किए जाएंगे, सख्तियां की जाएंगी। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर बताते चले आप लोगों को, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बार दिल्ली की सबसे हॉट सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार का मुकाबला दो बार के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से होगा। नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते कन्हैया कुमार ने रोड शो से पहले नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के समय कन्हैया कुमार के साथ में कांग्रेस नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश गोपाल राय भी मौजूद रहे हैं। बताते चले इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से
जो मनोज तिवारी सांसद है उनको लेकर के जनता के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है कि एकाएक अचानक से मत प्रतिशत बढ़ जाने और असली वोटिंग डाटा का चुनाव आयोग के द्वारा छिपाने का आखिर क्या कारण है। इस धांधली के लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। देश में निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में लेनी चाहिए। इसके साथ ही CGIDY चंद्रचूड़ को देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहां पर आगे के चरणों की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है भाजपा के, ये प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है। बताते चलें कि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण की जितनी भी वोटिंग हुई है उसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। 10 दिनों के बाद पहली बात तो आंकड़े जारी किए गए और उसके बाद में भी आंकड़े यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं। पहले बताया गया कि कम मतदान हुआ है लेकिन जब ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए तो उसमें 6% वोट यहां पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यहां पर तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए हैं पूरे मामले पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश DGP के तबादले का आदेश दिया है, मचा हड़कंप। तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटा है। अब जौनपुर से श्याम सिंह यादव होंगे बसपा के प्रत्याशी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों तक जरूर ही पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।